तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जगह माइनस का पॉइंट सिक्स टू पॉइंट सिक्स टू आ जाएगा माइनस तो का पॉइंट सिक्स टू इन टू का टी आएगा ठीक है तो माइनस का पॉइंट सिक्स टू इन टू का टी और सेवन पॉइंट टू टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेवन पॉइंट टू होगा 28 ट्वेंटी एट कॉन्स्टेंट है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा ओके okay? तो हमें निकालना कब है हमें निकालना है टी इज इक्वल टू फिफ्टीन सेकेंड तो टी इज इक्वल टू फिफ्टीन सेकेंड जो हमारा वी एक्स आएगा इट विल बी इक्वल टू माइनस का पॉइंट सिक्स टू इन टू का करेंगे फिफ्टीन और आपका प्लस का आ जाएगा सेवन पॉइंट टू ओके तो यहाँ से जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरा वी एक्स आ जाएगा दैट वी एक्स विल भी इक्वल टू द माइनस का टू पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड ठीक है माइनस का टू पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगा ओके अब हम पर बात करेंगे y ऑर्डिनेट के बारे में तो y जो हमारा दे रखा है दैट इज़ पॉइंट टू टू टी स्क्वायर तो पॉइंट टू टू टी स्क्वायर और माइनस का जगह जाएगा नाइन पॉइंट वन टी और आपका आ जाएगा प्लस का थर्टी अब अगर y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना है तो इट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इन y डी वाई वाई डी तो आपका और माइनस का जाएगा पॉइंट वन ठीक है और थर्टी का तो जीरो हो जाएगा अब अगर हमें वी वाई निकालना पड़ेगा एट टी इज इक्वल टू पंद्रह सेकंड पे तो टीज इक्वल टू पंद्रह सेकेंड पे हमारा वी वाई क्या जाएगा इन टू टी करेंगे टी मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा पंद्रह और माइनस का जाएगा नाइन पॉइंट वन ठीक है तो यहाँ से अगर मैं वी वाई सोल्व करूंगा तो आफ्टर सॉल्विंग जो वी वाई आ जाएगा टाइव मीटर पर सेकेंड ओके तो अब हमें यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर का लिखना पड़े तो वेलोसिटी वेक्टर जो हमारा होगा दैट इज इक्वल टू माइनस का टू पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड इन आई कैप और प्लस का आपका आ जाएगा माइनस का टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड इन जे कैप ओके हमारा क्या वेलोसिटी वेक्टर? अगर इसका मैं मैगनीट्यूड निकालूंगा तो दैट मैग्नीट्यूड विल बीवल टू अंडर रूट ऑफ